हेलो स्टूडेंट, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमको क्या दे रखा है? ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5 एंड माइनस रूट 5। आपको इस क्वेश्चन में एक पॉलीनोमियल दे रखा है और इसके टू जीरोज दे रखे हैं। आपको इसके सारे पॉलीनोमियल फाइंड करने हैं, ठीक है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको जो पॉलीनोमियल दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सपोज़ किया लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया एक्स की पावर 4 एंड देन प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x देन माइनस 15, ठीक है ना? देखिए, बिकॉज टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5 एंड माइनस रूट 5 आपको दे रखे हैं। देयरफॉर एक्स, देखिए प्लस का रूट 5 हम इधर लेके आएंगे, इसमें जाएगा माइनस में, तो माइनस रूट 5, ठीक है? और इधर आके किस में जाएगा? प्लस में रूट 5, क्योंकि देखिए जीरोज होते हैं मतलब एक्स की वैल्यूज दे रखी होती है, तो एक्स के इक्वल टू में हम रूट 5 लिखेंगे और एक्स के इक्वल टू में माइनस रूट 5 लिखेंगे, तो प्लस वाला इधर आके माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में इक्वल टू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में बन रहा है। देखो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास बचेगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा, है ना? नाउ अब हम क्या करते हैं, जो फैक्टर हमारा निकला है हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स में इसमें डिवाइड करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5 से हम डिवाइड करते हैं हमारे पॉलीनोमियल में, एक्स की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 15। देखिए सबसे पहले हम इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, हमारे पास एक्स की पावर यहाँ पे 4 है, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, इसलिए हम क्या कर लें, सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो गई एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर से माइनस 5 में करेंगे क्या आएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर, तो हम उसको स्क्वायर वाले के नीचे लिख लेते हैं, तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर साइन चेंज माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से हमारे पास, सर ये हमको दे रखा है प्लस, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस 4x की पावर 3। ये देखिए प्लस, ये वाला नहीं देखेंगे हम, देखेंगे ये वाला प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, 5 में 2 जाएगा, तो बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 15। अब हमको 4 चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया, हमको x की पावर 3 चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमने 1x और लिख लिया, तो 4x इसमें करेंगे, तो पहला तो आ गया हमारे पास एक्स की पावर 3, देन उसके बाद अब 4x का माइनस 5 से होगा, तो 5 4 जो 20 हो जाएगा, x का x रहेगा, तो हम नंबर के नीचे x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म लिख लेते हैं, तो माइनस 20x, तो ये माइनस, ये हो जाएगा साइन चेंज, ये कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस 20 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस 15। अब हमारे पास हमको 3 चाहिए, हमारे पास 3 नहीं है, हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 2 चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 का 5 से होगा, 3 5 जा 15, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जीरो आ गया हमारे पास। देखिए तो ये क्या निकल गया इसका आंसर, जो हमारा कोसाइंट है वो निकल गया, है ना? नाउ है ना फैक्टराइज, ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3,
ठीक है, इसको फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको करेंगे, हम क्या करेंगे इसकी लास्ट वाली टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हम इसके इक्वल टू हम जीरो सपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री वन जो थ्री, ठीक है, और थ्री में हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे हमारा फोर आए, तो थ्री में हमने थ्री से डिवाइड कर दिया, थ्री वन जो थ्री, तो थ्री और वन को प्लस करते कितना आता है हमारा फोर आता है, ये रफ वर्क है, आपको इसमें लिखने की नीड नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम एक्स लिख लेते हैं प्लस थ्री। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं दो दो की पेयर से, तो यहाँ इन दोनों में से हम देखते हैं तो क्या आता है, एक्स कॉमन आता है, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास एक्स बचेगा प्लस एक्स, यहाँ से कॉमन आ गया तो बचेगा थ्री, अब यहाँ से एक्स प्लस थ्री जो यहाँ पे आया एक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी आपका बचना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री ऑलरेडी लिखा है, जब कुछ नहीं निकलता तो हम क्या लिख लेते हैं वन, ठीक है ना। अब एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सब में से कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस थ्री और बचेगा क्या आपके पास एक्स प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं और एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक माइनस थ्री और एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक माइनस वन, तो ये क्या हो गया, बाकी के जो बचे हुए टू जीरोज थे वो हमारे ज़ीरो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ऑलरेडी पहले क्या आते हैं हमारे पास रूट फाइव दे रखा था, माइनस रूट फाइव दे रखा था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस ऑल ज़ीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स आर, एक तो रूट फाइव हो गया, एक माइनस रूट फाइव हो गया, एक हमारे पास यहाँ से माइनस थ्री हो जाता है एंड एक क्या हो गया हमारे पास माइनस वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर, ठीक है।